गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और विंटर का मज़ा ले रहे होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। वो अगर आप ब्लॉगिंग का सोच रहे हो या फिर आपका बेबी आने वाला है एंड कैमरा के बारे में सोच रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। एंड तक आप ज़रूर देखना, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो आज का वीडियो है सोनी ZV-1 कैसा है। यस, ये अब 2 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं मेरे बेबी का आए हुए, मेरे कैमरा का आए हुए, और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ इस कैमरा से। बिकॉज़ यू नो, बहुत ही इजी टू कैरी होता है। जितना स्पेस मोबाइल लेता है मेरे पॉकेट में, उतना ही ये कैमरा भी लेता है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है एंड फ़ोटो भी काफ़ी अच्छी आती है। मुझे कभी सोचना नहीं पड़ता है लाइक, है ना, कि कैमरा भी लेके जाना है। सो, बहुत ही कॉम्पैक्ट है एंड ईजी टू कैरी है। मैं पॉकेट में लेके चली जाती हूँ और चार्ज भी अच्छे से हो जाता है। और मुझे ओवरऑल काफ़ी सही लग रहा है। जूमिंग भी काफ़ी अच्छी है, पिक्चर क्वालिटी तो अच्छी है ही है, और वीडियो भी काफ़ी अच्छा आता है। एक्चुअली इनिशियली मैंने सोचा था कि, है ना, चलो ठीक है, ऐसे ही मैंने कैमरा ले, ये वाला कैमरा एक्चुअली लिया मैंने इसलिए था क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे लग रहा था बेबी का, है ना, सारा मोमेंट मुझे रिकॉर्ड करना है, कैप्चर करना है। एंड हमारे पास ऑलरेडी कैमरा था, निकोन का DSLR था, बट यू नो उसको निकाल, वो भी बहुत छोटा है, बट यू नो उसको पॉकेट में बट नहीं रख सकते, तो कहीं पर भी जाना हो तो फिर, है ना, हो नहीं पाता था। हमें लगता था प्लानिंग करना पड़ रहा है। तो हमने, निशांत ने, मेरे हस्बैंड ने अचानक से एक दिन ऐसे उन्होंने ऑर्डर कर दिया, तो काफ़ी सही लगा मुझे। ओवरऑल तब से मैं यूज़ कर ही रही हूँ, 2 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं और हर दिन यूज़ होता है। लाइक बेबी का तो फोटो मैं लेती हूँ, इतने सारे वीडियोज़ उसके लेती हूँ और हर दिन लेती हूँ, तो जिस पर्पज़ से मैंने लिया वो फुलफ़िल तो हो ही रहा है, अभी तक हुआ भी, आगे भी होता ही रहेगा। जो मुझे अच्छी नहीं लगी थी इस कैमरा में वो ये है कि जब आप वीडियो शूट करते हो ना, उस टाइम पर अगर आप जूम करते हो तो सी आवाज़ आता है, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बाकी इसका जो कॉम्पैक्ट खुद का माइक है ना, माइक्रोफोन है, वो काफ़ी सही है। ऑल्दो मैं यूज़ नहीं करती, मैं माइक यूज़ करती हूँ, एक्सटर्नल माइक यूज़ करती हूँ, बट वो भी काफ़ी अच्छा है। इवन बाहर नॉइज़ में भी नॉइज़ कैंसिलेशन काफ़ी अच्छा है, तो ओवरऑल अच्छा है इसका। एक चीज़ और जो नहीं अच्छी लगी थी मुझे, वो है इसका बैटरी बैकअप बहुत ही कम है। मीन्स कि आप सोचोगे ना कि पूरा दिन ब्लॉगिंग करेंगे, पूरा दिन क्या, उसमें से 1 घंटे 1.5 घंटे भी कैमरा यूज़ करने का सोचोगे तो वो नहीं टिक पाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा, है ना, बैटरी तो खरीदना ही खरीदना पड़ेगा इसके साथ, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ट्रैवल व्लॉगिंग तो नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ ड्रॉबैक है इसका। माइक अच्छा है, कॉम्पैक्ट है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, बट यू नो थोड़ा बैटरी इसका उतना अच्छा नहीं। और बाकी एक चीज़ और मुझे वर्थ नहीं लगा, अच्छा तो कैमरा तो अच्छा है, वो ये है, इसका मुझे कभी वर्थ नहीं लगा क्योंकि ये अराउंड, है ना, 199 यानी कि 16,000 का आपको पड़ा था। ये 15,000 का मान लो कि ये हमें जब हमने ख़रीदा था तब पड़ा था, बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। इसमें अगर आप माइक लगा, वो कैमरा लगा लेते हो तो इतना छोटू सा बस, है ना, फेस ही दिखता है, तो मुझे बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगा। उससे बेटर है आप दूसरा, है ना, कुछ ले लो। इसमें ब्लूटूथ है, सही है, सब कुछ है, बट यू नो मुझे वर्थ नहीं लगा कि इतना पे करके, सिर्फ इसलिए आप पे करते हो। उससे ज़्यादा सही है आप कोई दूसरा सा ट्राईपॉड ले लो जो इजी भी है, सस्ता भी पड़ेगा एंड इससे ज़्यादा काम करेगा वो। उसके जगह पे ये वाला आप ले सकते हो, ये उलांजी का है और अराउंड 20 यूरो का पड़ा था। कहाँ 199 यूरो और कहाँ 20 यूरो, सोच के देखो आप। तो इंडियन करेंसी में भी ये कितने 1600-1700 का पड़ा मान लो, तो काफ़ी सही है। उससे ज़्यादा अच्छा है, लाइट वेट है और प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा है। और इसका भी बहुत टाइम हो गया मैं यूज़ कर रही हूँ, तो आप कंसीडर कर सकते हो। बाकी कैमरा बहुत अच्छा है, ब्लूटूथ उसके साथ मत लो, और ये उसके साथ ले सकते हो आप। और माइक ऑलरेडी अच्छा है, माइक आपको एक्सटर्नल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खरीद लेते हो तो अच्छा है, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ आफ्टर 2 ईयर्स। लाइक, ऐसा नहीं कि आज मैंने कोई चीज़ परचेज किया या फिर मुझे PR के थ्रू मिला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद से बना रही हूँ। बिकॉज काफ़ी लोग, है ना, पूछते हैं कि अच्छा फ़ोटो तुमने कहाँ लिया या फिर ना वीडियोस कैसे बनाए बेबी के, तो इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो ही बना लेती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं सोनी ZV-1 यूज़ कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ट्राई करती हूँ उसी से वीडियोस बनाने का, कभी कभी मोबाइल भी यूज़ कर लेती हूँ। अभी मैं उसी से वीडियो शूट कर रही हूँ
और उस कैमरा का शूट मैं करूंगी मोबाइल से लाइक है ना, और दूसरा वाला कैमरा मुझे यूज नहीं करना। तो काफी सही है ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस। अगर आप मुझसे पूछोगे 5 में कितने स्टार दोगे तो 4.5 दूंगी, हाफ मैं कट करूंगी जस्ट बिकॉज बैटरी उतना सही नहीं है, बाकी है ना आपका काम हो जाएगा और अच्छा है, जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा है। सो ये आज का वीडियो काफी हटके था, प्रोडक्ट रिव्यू से रिलेटेड था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज प्लीज शेयर करना, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, अच्छा लगता है तो कमेंट करके मुझे बताया करो यार, क्योंकि उसी से तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, अदरवाइज मुझे पता कैसे चलेगा आपको अच्छा भी लगा या नहीं लगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों से बात करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।